अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर होस्ट अब्दुल मजीद मलिक एंड यू आर वॉचिंग UMTTV। और आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने दो दहाइयों से पाकिस्तान के शोबिस में बहुत शानदार काम किया है और 2019 में इनको पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया था। शी इज़ नन अदर मिस लैला ज़ुबैरी। अस्सलामुअलैकुम मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैंने 3 दहाइयां हो गई हैं काम करते हुए और मुझे अभी 14 अगस्त को अवार्ड एक और मिला दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेजेंडरी अवार्ड। जी माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो हमें ये बताएं, माशाल्लाह यू आर सो एक्सपीरियंस्ड, व्हाट डू यू थिंक इज द इंपैक्ट ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री ऑन अ सोसाइटी? आप माशाल्लाह 3 दहाइयों से काम कर रही हैं, अब की ड्रामा इंडस्ट्री और तब की ड्रामा इंडस्ट्री में क्या फ़र्क है? उस वक़्त जब पहले ड्रामा आया करते थे तब 8 बजे जो है वो रोडें वीरान हो जाया करती थी, सुनसान हो जाते थे, सारे इकट्ठे मिल के एक घर में बैठ जाया करते थे, डिफरेंट फैमिलीज बैठ के ड्रामा देखा करती थी, तो इस बारे में आपका क्या व्यू है, जरा उस पर रोशनी डालें। जी हाँ बिल्कुल, जो पहले असल में देखें लिमिटेड होता था ड्रामा, पहले एक चैनल था और उस पर एक ड्रामा एक दिन में चलता था, तो इसलिए व्यूअरशिप उसकी बहुत ज़्यादा थी और लोग बहुत ज़्यादा देखते थे और मेरे ख्याल से उस वक्त कंटेंट भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, जबकि हम टेक्निकली अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पहले के मुकाबले में, मगर हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, तो इस वजह से शायद ड्रामा हमारा वो उस पे स्टैंडर्ड पे नहीं रहा जहाँ पे पहले था, मगर अब क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बेशुमार चैनल्स आ चुके हैं, इसके एक दिन में कई कई ड्रामे चल रहे होते हैं, तो इस वजह से क्वांटिटी को मेंटेन करना जो है वो इतना आसान नहीं रहा है, तो क्वालिटी की वजह से मैं समझती हूँ कि क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा है। तो वाकई में उस ज़माने में जब मैंने काम शुरू किया क्वेटा टेलीविजन से, PTV क्वेटा से, तो उस ज़माने में मैंने मेरा पहला ड्रामा चला रात को और सुबह मैं निकली तो मैं मशहूर थी, हर एक मुझे जानता था, तो ओवरनाइट पॉपुलैरिटी मिली, उसकी वजह यही थी कि उस वक्त देखा बहुत ज्यादा जाता था, और अब मैं इतना ज्यादा काम कर रही हूँ कि शायद मैंने पहले कभी नहीं किया होगा। अब मुझे लोग रोक के पूछते हैं कि क्या आपने काम करना छोड़ दिया है, आप नजर नहीं आ रही तो ये बड़ा डायलेमा है कि इतना ज्यादा ड्रामा होने की वजह से वो ड्रामा जो असल ड्रामा था वो कहीं खो गया है। और आपके कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी ओरिएंटेड हो गए अब जो है, पहले क्वालिटी ओरिएंटेड हुआ करते थे। जी बिल्कुल, ये भी अब ये होता है कि उसमें अच्छे ड्रामे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, तो लिहाजा वो बुरों के साथ अच्छे भी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। असल में बड़ा मुश्किल हो गया है वो रखना कि कौन से चैनल पे कौन सा ड्रामा किस वक्त चल रहा है, तो लोग इसलिए फॉलो नहीं कर पाते बहुत से, ये चक्कर हुआ है। तो अच्छे भी बन रहे ड्रामे, ऐसी बात नहीं है कि ड्रामे सारे ही खराब है, बहुत अच्छे ड्रामे भी बन रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल ठीक है लैला साहब, पहले जो है ड्रामे सारे ही तकरीबन जितने भी आए करते थे वो लेसन ओरिएंटेड होते थे, तो अब क्या रीज़न है कि मतलब उसको अब आप नहीं समझती कि मजीद फ़रोग देना चाहिए था, इवन एक्टर्स को ये रियलाइज़ कराना चाहिए कि अब जो है इसके ऊपर फोकस किया जाए, या शायद लाइमलाइट की तरफ ज़्यादा फोकस हो गए एंड फोकसिंग टुवर्ड्स? ऐसी बात नहीं है, असल में पता है मैं आपको बताऊँ कि मसला क्या हो गया है कि जो हमारे चैनल हैं वो अब हमें डिक्टेट करते हैं कि हम उन्हें क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि एक रेटिंग सिस्टम एक बन गया है, TRP जिसकी ज़्यादा होती है उसी को कमर्शियल ज़्यादा मिलता है, अब ड्रामा जो है ना ज़्यादा कमर्शियल की तरफ चला गया है, तो वजह यही हुई है कि वो ये देखा जाता है कि किस चीज़ की रेटिंग ज़्यादा आ रही है, फिर चैनल की वही डिमांड होती है कि आप ये चीज़ हमें बना के दें क्योंकि इस चीज़ की रेटिंग ज़्यादा आती है, तो इस वजह से सारे लोग फिर वही चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। मैं तो बहुत ख़िलाफ़ हूँ उस चीज़ के और मेरी बहुत लड़ाई भी होती है प्रोड्यूसर्स के साथ, और मैं उनसे कहती हूँ कि क्यों आप औरत को हर वक्त मजलूम दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी औरतें इतनी मजलूम हो कि जो थप्पड़ खा रही हैं मर्द उनको धक्के देके निकाल रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रहे हैं, जो चीज़ें मैं समझती हूँ कि अगर हो भी रही हैं थोड़ी बहुत तो वो दिखानी नहीं चाहिए, उससे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ती है उन चीज़ों की, उनको लगने लगता है कि तो नॉर्मल सी चीज़ है, देख देख के हम क्या सिखा रहे हैं अपनी ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ना, जो चीज आप देखते हैं जो इनपुट देते हैं वो ही आउटपुट आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मगर मैं खुद इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, मगर मजबूरी है इस वक्त कि काम हो ही रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि जी इसी की रेटिंग आती है, तो अब दुआ करें कि अल्लाह करे जल्दी से रियलाइजेशन हो इनको कि जरूरी नहीं होता कि ऐसी चीजें ही दिखाई जाए तो रेटिंग आए, अच्छी चीजें दिखा के भी रेटिंग ली जा सकती है, आप अपने देखने वालों का व्यूअर्स का टेस्ट डेवलप कर सकते हैं,
जो चीज आप उनको दिखाना शुरू करते हैं वो देखने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है लैला साहब, ये बताइएगा कि एक कंस्ट्रक्टिव कंटेंट को फ़रोग देने के लिए इस वक्त क्या अहम इकदाम उठाने चाहिए? क्या वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होने चाहिए, जैसे टर्की के अंदर अर्तुगरुल को जो है वो प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो क्या ये बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को जो है वो बिल्कुल हेल्प आउट करें और बिल्कुल प्रोड्यूसर्स? मैं एग्जैक्टली मैं तो मेरी तो यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दें, शोबिज इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाता। जब तक इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जाएगा इसमें कोई सीरियस काम नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको आप एक इंडस्ट्री का दर्जा दें और गवर्नमेंट ज़रूर इसमें हेल्प करे, क्योंकि हमारे बजट्स इतने ज़्यादा नहीं होते कि हम इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस या इस तरह की चीज़ें बना सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें सरपरस्ती करे गवर्नमेंट हमारी, और जो है कुछ एनकरेजमेंट दे, कुछ फैसिलिटेट करे लोगों को ताकि वो इस तरफ आए और इस तरह की चीज़ करे। अब देखें अर्तुगरुल चला तो कितना ज़्यादा देखा गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको सराहा और पसंद भी किया। तो अगर हम इस तरह के ड्रामे दिखाएंगे तो मुझे यकीन है कि लोग उनको जरूर पसंद करेंगे और देखेंगे, मगर उसके लिए आपको बड़े फंड्स की जरूरत होती है, जो कि इस वक्त हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के पास इतने बड़े फंड्स नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जरूर सपोर्ट करे अगर अच्छी चीज उन्हें चाहिए, अच्छी चीज दिखानी है तो। बट मैम, डोंट यू थिंक जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, स्टिल प्रोड्यूसर्स को ग्रास रूट लेवल से ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर मतलब पहले देखा जाए और आपके रिसोर्सेज और उसकी अवेलेबिलिटी को देखा जाए, स्टिल हमारा मीडिया जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हमारा शोबिज इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रांग है, इंटरनेशनल जाके वो अवार्ड शोज वगैरह कर रहे हैं, कंडक्ट करते हैं, तो अगर जी चाहें तो व्हाट डू यू थिंक वो कर सकते हैं? बिल्कुल, चाहे तो कर सकते हैं, जरूर क्यों नहीं कर सकते। पहले आप देखें कि जब पीटीवी के जमाने में हिस्टोरिकल प्लेस बने थे, बिल्कुल कासिम जलाली साहब थे, उन्होंने उन्होंने बनाया था, और भी दो तीन हिस्टोरिकल प्लेस उस जमाने में बने हैं और जिनको बहुत ज्यादा सराहा गया था, बहुत पसंद भी किया गया था। तो अब तो वाकई में हम लोग टेक्निकली बहुत ज्यादा आगे हैं उस वक्त के जमाने से। तो ये कि हाँ, अगर कोई प्रोड्यूसर हिम्मत करे और इस तरफ आए, उन्हें ये डरना हो कि जी हमारे पैसे डूब जाएंगे। चैनल वालों की सपोर्ट भी बहुत जरूरी है, चैनल को बिल्कुल चाहिए कि ठीक वो है, जरूर सपोर्ट करे। चैनल वालों की अपनी भी कंपनीज हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो लोग खुद भी प्रोडक्शंस करते हैं, तो ये काम वो कर सकते हैं, चैनल वाले कर सकते हैं, और उनको जरूर करना चाहिए। एक आध ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखें, हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए। जब वो कामयाब होगा तो और चैनल्स भी तेरी तरफ आएंगे। ठीक है मैम। विद मोर रिसोर्सेज, आप क्या समझती हैं आज के काम करने का तरीका और आज से 10 या 15 साल पहले काम करने का तरीका, उसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंट हम लोग स्टूडियो और 3 कैमरास के ऊपर होता था काम, और उसमें हमें याद करना पड़ता था पूरा पूरा सीन, आप याद करते थे। रिहर्सल्स होती थी, 5 5 दिन हमारी रिहर्सल्स होती थी, उसमें पूरी कास्ट जमा होती थी, सारे मिलके बैठते थे, सारे बाकायदा सब पढ़ते थे, तो वो 5 दिन में आपको पूरा स्क्रिप्ट याद हो जाता था। तमाम कास्ट के साथ एक केमिस्ट्री आपकी डेवलप हो जाती थी, केमिस्ट्री बन जाती थी। तो एक तो पहले से आपके पास स्क्रिप्ट होता था, आपको डायलॉग सारे याद होते थे। जब आप सेट पे जाते थे तो आप ऐसे बोल रहे होते थे जैसे ये आपके अपने जुमले हैं, मगर बिल्कुल अब ठीक जो है, है ना बहुत चेंज आ गया है। इस लिहाज से एक तो आपको पहले से स्क्रिप्ट नहीं मिलता यूजुअली। मैं तो हालांकि डिमांड करती हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट पहले चाहिए, मगर वो भी ये होता है कि पूरा नहीं मिलता, आधा मिल जाएगा। वो कह रहे अभी 7 7 एपिसोड आ रही है, हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे फिर वो आती रहेंगी आप आगे की। तो इसलिए ठीक है इस तरह होता है, पूरा स्क्रिप्ट आपको नहीं दिया जाता, अक्सर दिया ही नहीं जाता। आप सेट पे जाते हैं तो आपको कहते हैं ये वाला सीन आप पढ़ें और ये कर लें, तो नेचुरली आपकी कैसे उस कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है। जब मैं पहले ड्रामा करती थी तो मैं एक ड्रामा एक वक्त में करती थी और मैं उस कैरेक्टर में रहना शुरू कर देती थी। मतलब जैसे मैंने छाऊं ड्रामा किया, उसमें मैंने जो सायरा का कैरेक्टर किया तो मुझे लगता था कि मैं सायरा ही हूँ। मैं घर पे भी होती थी तो मैं अपने आप को सायरा ही समझ रही होती थी। अगर मैं वहां बिल्कुल ठीक डिप्रेसिंग है, सीन्स करके आती थी तो मैं घर में भी डिप्रेस रहती थी। इस तरह से इतना इफेक्ट मेरे पे होता था। मगर आज के दौर में क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल दौर है, एक एक्टर कई कई ड्रामे एक वक्त में कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स कर रहा है, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो एक कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व होके रह जाए।
तो इसलिए एक तो ठीक ये है चीज हो गई कि उसकी वो कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि आपको स्क्रिप्ट पहले से नहीं मिल रहा, आपको ना सीन याद होता है ना कुछ होता है, और आप बस जाते हैं सेट के ऊपर और वो फिर उसी वक्त आपको बताते हैं कि ये कर ले। सिंगल कैमरा है, सिंगल कैमरे से उन्होंने मास्टर शॉट लिया, उसके बाद उन्होंने क्लोजेस लिए, क्लोजेस में आपको जुमले नहीं भी याद तो वो आपको साथ साथ बता देते हैं। तो उसमें वो हम लोग क्योंकि उस जमाने के दौर के लोग हैं तो हमें थोड़ी सी इसलिए मुश्किल होती है कि वही एक्सप्रेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि जो आपने मास्टर शॉट में किया है और जो आप सोलो में कर रहे हैं। और फिर अक्सर सोलो में ये होता है कि सामने आपके एक्टर नहीं होता, आप बगैर बिल्कुल ठीक एक्टर के है ऐसे बोल रहे होते हैं देख के, तो वो आंखों में वो एक्सप्रेशन नहीं आता जब तक सामने कोई बंदा ना हो। वो वाइब तो नहीं हम आती जो जो पुरान ओरिजिनल वाइब। वो वाइब नहीं आती, जी बिल्कुल। बिल्कुल तो ठीक पुराने लोग जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से जो नए लोग इस दौर में ही आए हैं उनको शायद ये प्रॉब्लम्स ना होते हो। जी ठीक है मैम। एक ड्रामे के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्क्रिप्ट होती है और एक उसकी एग्जीक्यूशन होती है जिसको एक्टिंग कहते हैं। व्हाट डू यू थिंक, अगर स्क्रिप्ट वीक है और एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है, और एग्जीक्यूशन वीक है और स्क्रिप्ट स्ट्रांग है, तो वो ड्रामे को किस तरह अफेक्ट कर सकते हैं और एक स्क्रिप्ट का क्या रोल है? देखिए मैं समझती हूँ कि स्क्रिप्ट जो है वो रूट है, जैसे दरख्त की जड़ होती है, इस तरह से स्क्रिप्ट जो होता है वो उसकी जड़ होता है। अगर स्क्रिप्ट ही ठीक अच्छा है नहीं है तो उस पे आप कितनी भी मेहनत कर ले वो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। और अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छा होता है और उसकी एग्जीक्यूशन खराब हो तब भी वो जो अच्छा स्क्रिप्ट होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो जब तक के अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छी एग्जीक्यूशन ना हो जब तक अच्छा ड्रामा नजर नहीं आ सकता। दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत दे गो इम्पोर्टेंट हैंड है, इन मगर हैंड। सबसे ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्क्रिप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, कंटेंट जो है बिल्कुल ठीक है मिस। हाउ डू यू सी द फॉरेन कंटेंट वो एज कंपेयर टू द पाकिस्तानी बड़ा कंटेंट? हेलो, मिस कैन यू हियर आई कांट हेयर यू। मी? मिस, हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी कंटेंट वर्सेस द फॉरेन कंटेंट? आपकी आवाज जी मिस, कैन यू हियर मी? से इट अगेन मिस, कैन यू हेयर मी? कट क्या आ रही है थोड़ी सी आवाज। जी 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी लैला साहिबा, कैन यू हेयर मी? जी जी मैम, मैं ये पूछ रहा था, मेरा सवाल हेलो, आपसे ये था कि जी, कैन यू हेयर मी? जी मैम, जी मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तानी कंटेंट को अगर फॉरेन कंटेंट के साथ कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझती हैं, आप मतलब क्या डिफरेंस है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अदर देन द रिसोर्सेज अवेलेबल? वी अंडरस्टैंड कि फॉरेन कंटेंट और फॉरेन प्रोडक्शन के पास मोर एनहेंस रिसोर्सेज हैं, लेकिन पाकिस्तानी कंटेंट, अगर कंटेंट की बात की जाए तो उनमें क्या डिफरेंस देखती हैं आप? देखिए हर हर जगह का कल्चर एक अलग अलग कल्चर है और वो अपने कल्चर के मुताबिक ही ड्रामा बनाते हैं और दिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जो है हमारे चैनल्स पे फॉरेन कंटेंट को जो पहले हमने इसके खिलाफ बहुत फाइट किया क्योंकि फॉरेन कंटेंट की वजह से हमारा ड्रामा सफर कर रहा था। हमारे कितने ठीक जो ड्रामा इंडस्ट्री में जितने काफी प्रोडक्शन हाउसेस थे जिन्होंने अपने काफी जो एम्प्लॉयज थे उनको ले ऑफ किया क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं रहा था अपना ड्रामा चलाने के लिए, क्योंकि इंडियन कंटेंट बहुत ज्यादा आ गया था, वो चैनल्स को सस्ता मिल जाता था चला हुआ कॉन्टेंट और वो चलाते थे। वो तो मैं उसके तो बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ क्योंकि वो हमारे कल्चर से मैच ही नहीं करता, बहुत डिफरेंस है उसमें और हमारे कंटेंट में। उसके मुकाबले में हमारा कंटेंट बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, तो उसके तो मैं बहुत खिलाफ थी। टर्किश भी बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि हमारे ड्रामों की जगह उनको नहीं चलाना चाहिए। हाँ एक आध अगर ऐसा हो जैसे अल्तुगरल था उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि वो एक हमारे लिए एक समझ लें कि एक हमारे लिए मिशेले रहा था, हमें एक एग्जाम्पल थी हमारे लिए कि हम ऐसे ड्रामे भी बना सकते हैं। और वैसे भी उसमें इस्लामिक हिस्ट्री क्योंकि थी तो उससे हम खुद भी रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए ठीक इस है तरह के ड्रामे हो
तो उसमें कोई एतराज नहीं दिखाए जाने चाहिए उससे, बल्कि हमें भी सीखने का मौका मिलेगा कि हमारा कंटेंट भी इस तरह का हो सकता है, उस पर भी हम कर सकते हैं। मगर जहां तक और चीजों का ताल्लुक है, और शायद यही वजह है कि जो हमारा ड्रामा अब होने लगा है, हमने उनसे असर ले लिया है, क्योंकि टर्किश ड्रामों में भी मैंने देखा वो लोग दिखाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की चीजें, इंडियन ड्रामों में भी यही सब कुछ चलता है, तो वो अब हमारे ड्रामों में भी वो आ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि लोग तो पसंद कर रहे हैं ये चीजें, लोग तो देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो दिखाना शुरू हो गया। हालांकि हमारा ड्रामा बहुत बेहतर था। मैं आपको एक बात बताऊं कि 1987 में शारजा कप में मुझे और मेरे साथ तीन और आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया गया था, शहनाज शेख, मरीना खान, शकील और मैं, हम चार लोग थे, हमें वहां बुलाया गया था। क्या वहां पे इंडियन एक्टर्स भी आए हुए थे। राज कपूर साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ये बताया, जो मैं बहुत प्राउड फील किया मैंने, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि जो आपके ड्रामे हैं वो हम पूना एकेडमी में दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए। तो ठीक आप सोचें कि हमारे ड्रामे ऐसे थे कि वो दूसरों को ट्रेन करने के लिए दिखाए जाते थे, जबकि हमारे यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, हमने कहीं से नहीं सीखा, मगर माशाल्लाह से इतनी हमारा अच्छा कंटेंट था, इतना अच्छा हमारा एग्जीक्यूशन था, इतना अच्छा ड्रामा था कि दिखाया जाता था, और उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था हर जगह। तो हमारा कंटेंट बहुत अच्छा था, मगर हमने अब क्योंकि असर ले लिया दूसरे दूसरे उससे, फॉरेन कंटेंट से, तो उसकी वजह से हमारा ड्रामा जो है वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। हमारा कल्चर ये नहीं है जो हम दिखा रहे हैं, ठीक तो है ये डिफरेंस है। जी मैम, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्शन की अगर कोलैबोरेशन हो जाए फॉरेन प्रोडक्शन के साथ, तो डू यू सी एनी स्कोप ऑफ इट? क्या वो कामयाब होगा और क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, हो भी सकता है, क्यों नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए। दूसरे कल्चर्स से भी हमें मुतारिफ होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए दूसरे कल्चर्स का, जैसे चाइना के साथ कुछ हुआ था कि इनके साथ मिलके होगा, हो जाए तो बहुत अच्छा है। टर्की के साथ हमें भी सीखने का मौका मिलेगा उनसे, और उनको हमसे, एक दूसरे से, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्यों नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। आने वाले वक्त में आप ड्रामा इंडस्ट्री के ट्रेंड को किस तरह देखती हैं, किस तरफ जा रहा है? मतलब अगर आज से 5 साल बाद देखें तो पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करेगी? मेरे ख्याल से जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा ड्रामा मजीद बेहतर होगा और लोगों में आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें दिखानी चाहिए, और जब वो ये समझ लेंगे और ये चीज़ें सही चीज़ें दिखाने चले शुरू कर देंगे, तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी। हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है पोटेंशियल है, हमारे राइटर्स में भी, हमारे एक्टर्स में भी, हमारे डायरेक्टर्स में भी बहुत पोटेंशियल है, एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि उसको अगर अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए इसको करेंगे, और हम फॉरेन दूसरे कंटेंट से अफेक्ट नहीं लेंगे, हम अपने कल्चर को लेकर चलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि 5 साल बाद हमारा ड्रामा बहुत ऊपर होगा। बिल्कुल ठीक है मैम। जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था ड्रामा इंडस्ट्री, एज यू सेड के ओवरनाइट जॉब में मिला था, लेकिन अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो व्हाट डू यू थिंक, अगर एक कॉमन मैन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर ब्रेक लेना चाहता है या फिर एक कॉमन वुमन है या फीमेल है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ तो अकेडमीज भी नहीं है, ठीक है, और इजीली जी जो है वो एंट्रेंस नहीं हो सकती, तो क्या टिप है हाँ आपकी, बिल्कुल, आपकी क्या एडवाइस है ऐसे लोगों के लिए जो शौक रखते हैं? हाँ, बस जो शौक रखते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अब स्ट्रगल बहुत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब वो वक्त नहीं रहा कि आप एक ड्रामे में अपीयर हुए और नेक्स्ट डे आपको लोग पहचानने लगे, अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मगर मुझे खुशी है कि बहुत नए लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो हम टीवी का उन्होंने यहाँ पे ऑफिस बनाया है, और उनकी जो प्रोडक्शन है, उनका जो यहाँ प्रोडक्शन हाउस है एमडी प्रोडक्शंस, वो बहुत नए लोगों को चांस दे रहा है, तो मुझे जो भी कांटेक्ट करता है मैं उन्हें उनका नंबर देती हूँ, वो उनको बुलाते हैं, उनका ऑडिशन करते हैं, और अगर वो उन्हें लगता है कि उनमें पोटेंशियल है और कोई ऐसा कैरेक्टर निकले तो वो जरूर उनको मौका देते हैं। अभी मैं जो सोप कर रही हूँ उसमें बहुत सारे नए चेहरे नजर आएंगे, और जो अभी मेरा ठीक कुर्बत है चल रहा है उसमें भी बहुत से नए लोग हैं, तो नए लोगों के लिए है अब काफी गुंजाइश है, अगर उनमें टैलेंट बिल्कुल है तो वो जरूर अपना टैलेंट को आजमाएं, और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जगह बना सकेंगे, जो अच्छे जिनके अंदर वाकई में टैलेंट है, तो वो मगर टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वो ना एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट उनको ब्रेक मिल जाएगी,
इट विल टेक सम टाइम बट दे नीड टू डू द एफर्ट एंड उनको जरूरी है कि वो कोशिश करें, मेहनत करें, तो जरूर कर सकते हैं, अपनी जगह जी बना ठीक सकते है। हैं। मैं आपको पता है कि ड्रामा जो है वो बहुत से लोगों की लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करता है, और पाकिस्तानी हाउसहोल्ड के अंदर जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल जो है प्रूव होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि किस हद तक पाकिस्तानी हाउसहोल्ड्स को पाकिस्तानी ड्रामाज जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो देखने वालों को किस माइंडसेट के साथ ड्रामा देखना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेगेटिव कंटेंट दिखाया भी जा रहा है तो उसके साथ मतलब उसका क्या इन्फ्लुएंस लें और उसको किस माइंडसेट के साथ देखें ताकि वो नेगेटिविटी जो है वो एग्जीक्यूट ना की जा सके। देखिए, जब भी कुछ दिखाया जाता है ना नेगेटिव, तो जब भी कोई ड्रामा दिखाया जाता है जिसमें किसी को बहुत नेगेटिव दिखाया जाता है, तो हमेशा उसका जो एंड दिखाया जाता है वो बुरा दिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ लोग वो तो देख लेते हैं, चीजें जो गलत चीजें उसमें दिखाई जा रही है वो तो सीख लेते हैं, मगर ये नहीं देखते कि उसका अंजाम क्या हुआ। तो उस लोगों को चाहिए इस माइंडसेट के साथ देखें कि ये जो सब कुछ कर रहा है इसका देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है, और वो देखें कि इसका अंजाम बुरा हो रहा है तो उससे वो असर लें, बजाय इसके कि वो नेगेटिव चीजों से असर लें। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से हम उन ड्रामों का, उन चीजों का कोई बुरा असर नहीं लेंगे। और मैं समझती हूँ कि बहुत होता है असर, बहुत इफेक्ट होता है, और बहुत ज्यादा लोग जो है इसका असर लेते हैं, स्पेशली जो लोग ज्यादा देखते हैं ड्रामे, जो लोग ज्यादा टीवी देखते हैं उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। जी ठीक है। लैला साहिबा, जो नौजवान ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी आपकी उनके लिए क्या एडवाइस होगी, एक पैगाम जो उनके लिए जो उनको आप देना चाहते? जी बिल्कुल, मैं जरूर आए। मैं तो कहती हूँ कि जितने ज्यादा एजुकेटेड लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे, इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरी होगी, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी इसमें। अच्छे राइटर्स की हमें बहुत शदीद ज़रूरत है, अच्छे राइटर्स भी आए, अच्छे डायरेक्टर्स भी आए, एक्टर्स भी आए, क्योंकि बहुत इसमें बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, बहुत लोग इसमें आ सकते हैं और आए, और जरूर जिनमें टैलेंट है उनको जरूर आना चाहिए। और जहाँ तक एक हमारे यहाँ टैबू था कि ये इंडस्ट्री खराब है और इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, वो चीज अब खत्म हो चुकी है, अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब अच्छे अच्छी फैमिलीज के बच्चे आ रहे हैं। मैं मुझे देख लें आप, मुझे 30 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए, अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को जरूर आजमाएं, और मुझे यकीन है कि आप अपनी जगह बना सकेंगे। बस ये है कि आप सही लोगों से रابطہ करें, और सही जगह पे काम अगर आपको मिल गया तो आप अपना टैलेंट जरूर दिखा सकेंगे। ठीक है। ड्रामा इंडस्ट्री का एक तबका जो है वो तुर्क कंटेंट से खाइफ है, क्या ऐसा है? कुछ लोगों को है इशू, मगर मैं समझती हूँ कि इसमें होना नहीं चाहिए इशू, और हर एक की अपनी अपनी जगह है। हाँ, अलबत्ता ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमने पहले बहुत फाइट किया था इस चीज के लिए कि जो हमारे ड्रामे की जगह है उस पे आप ना चलाएं वो ड्रामे, चले हुए जो ठीक होते हैं है। दूसरे दूसरे फॉरेन कंटेंट, क्योंकि उससे देखिए एक तो हमारा भी नुकसान है कि हमारे ड्रामे को जगह नहीं मिल रही, दूसरी बात ये कि आपका रेवेन्यू का नुकसान है। वो तो जाहिर है पुराना ड्रामा है उस पर कोई टैक्स वगैरह इतना नहीं होता, जो हमारा हमारा ड्रामा होता है उस पर तो बहुत टैक्स हमें देना पड़ता है ना, तो वो एक तरह से आपको रेवेन्यू भी मिल रहा है जब हमारा ड्रामा चला रहे हैं, तो इसलिए भी शायद वो नहीं, चैनल वाले कोशिश करते हैं कि वो दूसरे ड्रामे ले लें ताकि उनको वो सस्ते पड़ जाएं, सस्ते भी मिलते हैं। हमारे जो नया ड्रामा होता है जाहिर वो तो सस्ता नहीं पड़ता, तो ये वजह है। मगर हम खाइफ नहीं है, अभी अर्तुगरुल चला हमने बहुत खुशी से देखा, खुशी, और मैंने तो उसकी बहुत तारीफ भी की, और अच्छा अच्छी चीज है, जिस चीज से आपको कुछ सीखने का मौका मिले उस पे हमें कोई एतराज नहीं है। मगर हाँ, अगर ऑप्टिमिस्टिक किसी रहना चीज सा चाहिए। जी ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ठीक अगर हाँ किसी चीज से गलत इम्पैक्ट हो रहा है तो उसके खिलाफ हम जरूर आवाज उठाएंगे। है। मुआशरती इस्लाह के लिए ड्रामा का किरदार क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझती हूँ कि जो टेलीविजन का किरदार है वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, कि आप बजाय इसके कि आप गलत चीजें दिखा के माशरे में बिगाड़ पैदा करें, अपने माशरे को सुधारने की कोशिश करें, ऐसी चीजें दिखाएं जिसका के पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, ऐसे ड्रामे दिखाएं जिसका कोई मैसेज हो, जिससे कुछ लोग लोगों को सीखने का मौका मिले। जैसे मॉर्निंग शोज अब हैं,
मैं उनके भी बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि जो हमारे पहले मॉर्निंग शोज हुआ करते थे उसमें कितनी चीजें सीखने को मिलती थी, कितना सिखाया जाता था, जनरल नॉलेज में इजाफा होता था, इतनी चीजें। अब तो सिर्फ ये है कि शादियां और काला जादू और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जिससे कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता, कोई मैसेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसी तरह ड्रामे में भी हो गया है कि अब इतना ज्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो एक ही चीज दिखाई, एक चीज पॉपुलर हो जाती है तो उसी को सब दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर वही ड्रामा चल चल सो चल, हर एक वही चीज लेके चल रहा होता है। तो आप स्टोरीज अपने सोसाइटी से उठाएं, जो आपके माशरे में हो रहा है, जो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं उनको लेके चलें, उनके ऊपर ड्रामा बनाएं। एक जरूरी नहीं है कि आप औरत को हमेशा रोता पीटता और मजलूम ही दिखाएं, कोई हमारे यहाँ ऐसी औरतें भी हैं जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, जो बहुत फील्ड में हर अपनी फील्ड में आगे हैं, उनके ऊपर ड्रामा बनाएं, आप उनको दिखाएं, तो मैं समझती हूँ कि जरूर लोग देखेंगे। ठीक है लैला साहिबा, थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो बचपन जी से ही आपको एक्टिंग और थिएटर का शौक था, या फिर ये एक एक्सीडेंटल ब्रेक था जो आपने लिया? शौक तो हर मैं समझती हूँ कि हर हर इंसान के अंदर एक एक्टर छुपा हुआ होता है, तो वो उसका कभी पता चल जाता है और कभी पता नहीं चल पाता। बिल्कुल तो हुआ ठीक ये है। था कि मेरे वालिद साहब जो है उनका ताल्लुक रेडियो से था, और बचपन में उनको देख के शौक हुआ रेडियो पे काम करने का। मैं और मेरी बहन, हम दोनों उनके साथ रेडियो गए और हमने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में हम दोनों पास हुए, हमने रेडियो प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, बच्चों के प्रोग्राम्स और जो स्टूडियो नंबर 9, कहकशां, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हुआ करते थे उनमें हमने हिस्सा लिया, और मतलब वहाँ से एक तरह से हमारी ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि स्टूडेंट्स फेस्टिवल होता था, उसमें मैंने हिस्सा लिया, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, तो उससे बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई, और क्योंकि वालदैन की तरफ से भी इंकरेजमेंट थी, उन्होंने कभी रोका नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ते रहे। मगर हुआ ये कि जब मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई और मियाँ मेरे आर्मी में थे, तो हमारी पोस्टिंग्स ऐसी जगहों पे होती रही कि मेरा फिर बिल्कुल ताल्लुक नहीं रहा इन चीजों से। ठीक है बचपन में ही टीवी भी आ गया था, टीवी पे भी मैंने कुछ थोड़े बहुत बच्चों के ड्रामों वगैरह में काम किया, एक परी का कैरेक्टर एक ड्रामे में किया, और इसी तरह के बच्चों के उसमें एक टिक टिक कंपनी एक प्रोग्राम होता था साइंस फिक्शन, उसमें भी किया था काम। फिर ठीक उसके है बाद खैर ये सिलसिला मुनकता हो गया और फिर शादी होके चली गई, मैं पोस्टिंग्स डिफरेंट जगह होती रही। फिर इसी तरह क्वेटा में हम लोग पोस्टेड थे, तो वहां पर मुलाकात हो गई मेरी कासिम पाशा साहब से, जो कि एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर टेलीविजन के थे, पीटीवी के। उनके साथ पहले वो एज एन एक्टर मेरे साथ बचपन में, जब मेरा बचपन था, तो वो एज एन एक्टर काम कर चुके थे, ठीक तो है उन्होंने, और वो मेरे वालिद साहब को भी क्योंकि जानते थे, तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे दावा दी कि मैं उनके साथ आके एक ड्रामा कर लूं, क्योंकि उन्हें क्वेटा में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फीमेल एक्टर्स की। तो मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी, क्योंकि मैं टीचिंग भी कर रही थी उस जमाने में, पढ़ा रही थी कॉन्वेंट में, और बच्चे भी मेरे छोटे थे, बेटियां दोनों हो गई थी मेरी, तो बच्चे भी छोटे थे, घर भी था, तो मैं थोड़ी सी डबल माइंडेड थी कि मैं काम करूं या ना करूं। और उस जमाने में आपको पता है कि इतना ज्यादा लोग इनकरेज भी नहीं करते थे, फैमिलीज, मेरे जो इन लॉज थे उनको इतना ज्यादा पसंद नहीं था ये काम, ठीक है तो इस वजह से मैं बहुत रिलक्टेंट थी। मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, 50 मिनट्स का प्ले है, कर लो, कुछ कुछ नहीं होता, बेचारे इतना कह रहे हैं। तो हस्बैंड की क्योंकि सपोर्ट मिली, तो मैंने फिर इसलिए वो एक ड्रामा उनका आबरू था वो किया, और जिससे मैंने बताया कि जब मैं नेक्स्ट डे निकली हूँ तो मैं मशहूर हो चुकी थी, तो ओवरनाइट वो ओवरनाइट, तो वो अच्छा लगा, मजा आया। और फिर उसके बाद मुझे सेकंड प्ले ऑफर हुआ वहीं पे क्वेटा में, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने तो एक ड्रामे का वादा किया था, उन्होंने कहा नहीं ये तो काजिम का था, ये मेरा गुफरान इम्तियाजी साहब थे, फिर उनका प्ले था वो मैंने कर लिया। फिर काजिम भाई ने कहा भाई अब तो तुम्हारी कसम टूट गई, चलो अब मेरा एक और प्ले करो, एक और करते करते फिर सीरियल हुआ, फिर सीरियल किया, फिर एक बच्चों का था ड्रामा कोशिश वो किया, तो बस वो फिर कड़ी से सिलसिला कड़ी शुरू हुआ, जुड़ती रही और फिर आप कड़ी से फिर कड़ी इंडस्ट्री जुड़ती में। रही और फिर आज ठीक मैं यहाँ हूँ। है, लैला साहिबा को अगर एक दिन के लिए अख्तियार दिए जाए तो वो सबसे पहले क्या करना पसंद? सबसे पहले तो मैं एजुकेशन कंपलसरी कर दूंगी हर एक के लिए।
हो गया। यानी जो बड़े भी हैं उनके लिए भी, सबको सबको तालीम हासिल करनी होगी, क्योंकि ठीक तालीम के है, बगैर इंसान अधूरा है। आपको सियासत पसंद है या स्पोर्ट्स, मतलब पॉलिटिक्स का शौक है, कैर खबर रखती हैं आप या फिर बस? जी, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स का रखती हूँ ख्याल, सोच ज्यादा खैर खबर रखती हूँ पॉलिटिक्स की। जी। और स्पोर्ट्स में कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है आपको? हाँ स्पोर्ट्स में क्रिकेट पसंद था बहुत, मगर अब हमारा क्रिकेट भी सियासत की नजर हो गया है। अल्लाह करे कि रिवाइव हो जाए क्रिकेट। अल्लाह करे, अल्लाह करे। लहरा साहिबा को शॉपिंग का किस हद तक शौक है? ठीक जितना सब खवातीन को होता है। और आप अपने फ्री टाइम को किस तरह यूटिलाइज करते फ्री हैं, अगर टाइम हो बहुत तो? कम मिलता। हाँ वही कह जी रही हूँ, बहुत कम मिलता है फ्री टाइम, मिलता भी है तो इस तरह की चीजों में गुजर जाता है, जैसे अभी ठीक क्योंकि है, कल तक मेरी शूट थी और आज मैं फ्री हुई हूँ तो आज आपके साथ हूँ, तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं मेरी। मगर ये कि हाँ, फ्री टाइम हो तो फैमिली के साथ मैं गुजारना अच्छा लगता है मुझे, मेरे माशाल्लाह ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अक्सर मैं बेबी सिटिंग भी कर रही होती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। और उसके अलावा मैं जाहिर है शॉपिंग वगैरह और सोशलाइजिंग, मेरी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का बड़ा अच्छा सर्कल है और हम लोग बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं जब भी टाइम मिले। उसके अलावा मैं हेल्थ क्लब ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ भी जब फ्री होती हूँ तो ज़रूर हेल्थ क्लब ज़रूर जाती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा मूवीज़ देखने का भी शौक़ है मुझे, और टेलीविजन ड्रामे देखने का मौका इतना मिलता नहीं है, तो जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पे अपने अपने ड्रामे कम से कम देख लूँ, कि पता चल जाए कि मैंने किया क्या है। उसी से मुझे ठीक पता है। चलता है कि जी फला ड्रामे में मेरी लाइटिंग अच्छी नहीं थी और फला में मेरी डायलॉग डिलीवरी सही नहीं थी, तो उस तरह मैं अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड हाउ ऑफन डू यू कुक, मतलब डू यू और डू यू नॉट? यस आई डू समटाइम्स। पिछले पहले तो मेरे पास हमेशा से बहुत अच्छा कुक था, फिर वो जब चला गया तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा से कुकिंग शुरू की, और कर लेती हूँ मैं कुकिंग, डिनर वगैरह के लिए भी कर लेती हूँ, और मतलब मुझे शौक नहीं है कुकिंग का, ठीक मगर शौक नहीं है, मगर शुक्र है कि मेरे हस्बैंड को भी शौक नहीं है और वो मुझे करने नहीं देते कुकिंग, वो कहते हैं नहीं किचन में जाने की जरूरत नहीं है, मगर ये कि जब जरूरत होती है तो मजबूरी हो तो बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हूँ, हर तरह की ठीक है। चीजें, और आपकी इवन फेवरेट डिश इवन क्या? चाइनीज, इवन चाइनीज और थाई भी बना लेती हूँ। जबरदस्त। मेरे आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश जो है दाल चावल। मैं अच्छा, सिंपल है, वेरी बहुत सिंपल। सादा तबीयत हूँ, बहुत सादा ठीक तबीयत है, ठीक हूँ। है। अच्छा मैम, हमारा एक तबका ये ख्याल रखता है कि हमारी जितनी शोबिज इंडस्ट्री है या जो ड्रामा इंडस्ट्री है, सम एक्सटेंट उनकी जो लाइफ है या वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसी हद तक फेक है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मतलब आप उसको डिफेंड करेंगी या उसको जो है वो रिपेल करेंगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब किस लिहाज से फेक है, उनके क्या लाइफस्टाइल की मतलब बात अगर की जाए, द वे दे रिप्रेजेंट देयर सेल्फ ऑन द मॉर्निंग शोज एंड द वे दे लिव इन देयर नॉर्मल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। मेरे ख्याल से ये लोग शायद, लोग वही कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं शायद, मगर मैं जहां तक देखिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आप एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि सभी जी फेक हैं, बिल्कुल, ठीक है। वो कुछ लोग होंगे जरूर फेक होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, जैसे मैं हूँ, मैं सही सही बातें बताती हूँ, जो है फैक्ट है वो ही मैं बताती हूँ, और अब जो कुछ मैंने आपको बताया सब इसी तरह है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने कोई ऐसा नहीं किया कि कोई मैंने मेडअप चीज आपको बताई हो कि जी मैं ऐसा जी नहीं कर कि जी मुझे कुकिंग मैं नहीं करती या मुझे बहुत शौक है या वट एवर, ना मैंने सही सही बताया कि मुझे शौक नहीं है, मगर ये कि मजबूरी हो तो मैं कर लेती हूँ। और कोई मैं बिल्कुल बहुत ठीक, बहुत आला कुक नहीं हूँ, मगर हाँ गुजारा जरूर कर लेती हूँ। ठीक है। एज अ वर्किंग वुमेन, व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ अ वुमेन इन आर पाकिस्तानी सोसाइटी? किस किस तरह जो है वो बिल्कुल, देखा जाता मैं है आप? समझती हूँ कि काम तो जरूर करना चाहिए, हर खातून को ठीक करना है, चाहिए, क्योंकि देखें हमारे मुल्क की जो आबादी है वो 50% से ज्यादा खवातीन की है, तो आप सोचें कि अगर आधी से ज्यादा आबादी काम नहीं करेगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, तो इसलिए बड़ा बिल्कुल जरूरी है ठीक कि खवातीन का जो हिस्सा है वो जरूरी है उसमें काम में, और जबकि महंगाई भी इतनी ज्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत है,
जब तक घर के सारे दोनों अफराद काम नहीं करेंगे, घर को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और दोनों पहिए साथ साथ ना चलें तो गाड़ी सही नहीं चलती। तो इसलिए बड़ा जरूरी है जी, बैलेंस कि मेंटेन करने के इसको लिए। बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि खवातीन घर से बाहर निकल कर ही काम करें, आप घर ठीक में है, बैठ के भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर सकते हैं और आजकल कर रही हैं खवातीन। कितनी खवातीन ऐसी हैं जो घर से खाने बनाती हैं और वो केटरिंग करती हैं, आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं, स्टिचिंग ई करती कॉमर्स का हैं, जमाना है, घर से आप काम कर सकते हैं। इट्स ई नॉट कोलेंसी कॉमर्स कि का आपने जमाना है, आप घर बाहर से, जाना। हाँ, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू गो आउट ऑफ द हाउस। मगर मैं समझती हूँ कि एक आपके सेन रहने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखें। और जाहिर है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, बच्चों के साथ ही बच्चों को आपको तवज्जो देनी पड़ती है, तो उस वक्त खवातीन के लिए मुश्किल होता है काम करना। मगर जब जरा बड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं, फिर खवातीन फारिग हो जाती हैं। तो मैंने देखा है जो लोग फारिग रहते हैं ना, फिर वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, इधर इनकी बात उधर, उधर की बात उधर, बैक तो ना बाइटिंग सिर्फ है। बैक बाइटिंग है, ये सारी चीजें हैं। तो वो कहते हैं ना कि एन आइडल माइंड इज अ डेवल्स वर्कशॉप, तो आप अपने माइंड को आइडल ना छोड़ें बल्कि उसको बिजी रखें। और वैसे भी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है कि इंसान बिजी रहे। और मैं तो बड़ा फिट फील करती हूँ कि जब मैं काम कर रही होती हूँ, मुझे पता है कि सुबह उठना है, तैयार होना है, जाना है, तो आई रियली फील वेरी फिट एंड फ्रेश, और मेरे अंदर एनर्जी भी ज्यादा मुझे फील होती है जब मैं काम कर रही होती हूँ। मैं ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करती हूँ। और ठीक मैं है, जब घर में होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं लेजी हो गई हूँ, मतलब ठीक मैं है, ठीक मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं कुछ करूँ, कुछ ना कुछ मैं काम ढूंढती रहती हूँ फिर करने के लिए। तो मैं है, समझती हूँ कि खवातीन को जरूर करना चाहिए काम, और उनके हस्बैंड्स को इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। मैम, यू हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 30 इयर्स, हाउ डिड यू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन योर हाउस होल्ड एंड योर प्रोफेशनल करियर? देखिए जब मैंने काम शुरू किया, एंड आई वांट यू टू गिव अ टिप टू ऑल द वर्किंग वुमेन्स आउट देयर। जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपने अपने आप से कहा, और मैंने ये मतलब अपना ये समझ लें कि एक वो बना लिया, तहैया कर लिया कि मेरे लिए माय फैमिली एंड माय होम कम्स फर्स्ट, उसके बाद मेरा प्रोफेशन है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मेरा घर और मेरी फैमिली जो है उसको मैं अपना टाइम जरूर दूं। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग वुमेन, कि आप बैलेंस रखें अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने घर में। अगर जब तक आप बैलेंस नहीं रखेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं लूज करेंगे कोई चीज। बिल्कुल तो ठीक है, मैं समझती हूँ कि देखिए काम, अब जैसे शोबिज है वो तो कुछ अरसे, पता नहीं कब तक है, उसके बाद तो आप फॉल बैक अपनी फैमिली पे ही करेंगे ना। आपकी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा नहीं किया होगा तो कल को आपकी फैमिली भी आपके साथ अच्छा नहीं करेगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। मैंने इस तरह से किया कि जब मेरी बच्चियां छोटी थी तो जिन दिनों में उनके एग्जाम्स हो रहे होते थे, उन दिनों में मेरी कोशिश होती थी कि मैं कोई काम बाहर का ना लूं और मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं, चाहे मुझे उन्हें नहीं भी पढ़ाना, मगर मॉरल सपोर्ट के लिए आई हैड टू बी देयर विद देम। इसी तरह अभी भी है कि अभी मुझे पता होता है कि मेरी बेटी आने वाली है, दुबई में होती है बड़ी बेटी, तो वो मुझे पहले से बता देती कि इन दिनों में मैं आऊंगी, या मेरी मदर वो भी दुबई में है तो वो मुझे पता होता है कि इन दिनों में आने वाली है, उन दिनों में मैं कोई काम नहीं लेती, मैं कहती हूँ कि नहीं ये टाइम उन लोगों के लिए है। फिर मैं अपने घर के लिए, मैं जैसे कराची जाती थी अपने शूट्स के लिए, तो मैं कभी भी उनसे कहती थी कि मैं 8 से 10 दिन से ज्यादा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे बीच में घर के लिए टाइम चाहिए। फिर बीच में मैं ठीक ब्रेक है, जरूर लेती थी, इसीलिए मैं एक वक्त में एक सीरियल करती हूँ, जब वो सीरियल खत्म हो जाता है फिर मैं बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालती हूँ। और मेरी जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, अक्सर मुझे बेबी सिटिंग भी करनी होती है, तो मैं पहले से अपनी शूट्स पे बता देती हूँ कि उन इस दिन मैं नहीं आऊंगी, इस दिन आप मेरा ठीक है ना मैम, रखें, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे पता होता है कि उस दिन मुझे बेबी सिटिंग करनी है। तो इस वजह से मैं अपनी फैमिली को साथ लेके चलती हूँ, इसलिए माशाल्लाह उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे काम से, मेरे हस्बैंड को भी कोई इशू नहीं है, इसलिए वो मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप इन सबको लेके चले ना, तो आपको उनकी सपोर्ट भी रहती है और आप हंसी खुशी काम कर सकते हैं। तो मेरा यही टिप है सब वर्किंग वेमेन के लिए कि आप टाइम मैनेजमेंट जरूर करें और अपने घर को, अपनी फैमिली को जरूर टाइम दें। आप अपने काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाएं कि आपका घर सफर करे, आपकी फैमिली सफर करे।
जी ठीक है मैम, ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल करियर देर मस्ट बी हाई टाइम्स एंड द लो टाइम्स, व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशन थ्रू आउट दैट टाइम? देर मस्ट बी टाइम्स जब आप डीमोटिवेट होती होंगी या आप स्ट्रेस्ड होती होंगी, यू मस्ट बी टाइट, तो क्या इंस्पिरेशन होती थी या क्या मोटिवेशन फैक्टर होता था आपके लिए? देखिए, आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन बेसिकली, और जो मेरी पॉजिटिविटी है ना, वो मुझे लेके चलती रही है हर हर टाइम में. अभी पिछले दिनों मुझे कोरोना हुआ, और उसमें मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, उन्हें भी कोरोना था, वो हॉस्पिटल में थे, मैं घर में थी आइसोलेशन में, ना मैं कहीं आ सकती थी ना कहीं जा सकती थी. आई वॉज वेरी डाउन एट दैट टाइम, आई शुड हैव बीन, बट मैं, क्योंकि आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैंने अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त जो थी वो इस्तेमाल की, और मैंने अब कोशिश की कि अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखूं, और मैंने सिर्फ अल्लाह से दुआ की, क्योंकि मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान का फेथ स्ट्रांग होना, तो आप के ऊपर बुरा वक्त नहीं आता, बुरा वक्त आए भी तो वो आपको लगता है कि ये इसमें कोई मसलहत है, और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो जब मेरा जी ये सिचुएशन थी, ये वक्त था कोरोना का, तो मैंने उस वक्त अल्लाह से ही दुआ मांगी और अल्लाह पे भरोसा किया, और मुझे बिल्कुल इत्मीनान था कि इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया. तो मैं समझती हूँ कि हर बुरे वक्त में, जब भी कोई ऐसा टाइम आए जिसमें मैं थोड़ा सा डाउन होती हूँ, तो मुझे अल्लाह ताला की सपोर्ट होती है, क्योंकि मेरा फेथ बिल्कुल स्ट्रांग है. इंसान का अगर फेथ स्ट्रांग हो ना, तो उसको, मैं नहीं समझती कि कोई भी मुश्किल वक्त उसको जो है वो डाउन कर सकता है. ठीक है मैम. ऑन बिहाफ ऑफ माई यूनिवर्सिटी, आई वुड लाइक यू टू इनवाइट आवर यूनिवर्सिटी टू आवर यूनिवर्सिटी. आप आए हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे फैकल्टी के साथ, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको इंस्पायर करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि जो हमारी यूथ है वो भी आपसे सीखे, क्योंकि सही, फिजिकल प्रेजेंस जो है वो भी बहुत काउंट करती है और वो ज्यादा मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को. तो इट्स माई प्लेजर टू इनवाइट यू टू मैं ये यू करोड़ हियर. ठीक गुजर ट्रैवल कर नहीं रही हूँ. है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. वो बस ये है कि इंशाल्लाह देखें, ये सिचुएशन बेहतर हो जाए, हालात बेहतर हो जाए, तो फिर जी, इंशाल्लाह विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड एडवाइसेस फॉर आवर यूथ. आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑन यूएमटी. टेक केयर. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई एम योर होस्ट अब्दुल मजीद मलिक साइनिंग ऑफ.